और हो गया गाइस ट्यूशन का टाइम गुड इवनिंग सबको और ट्यूशन का टाइम हो गया काव्या यहाँ पे सोरिया एक्टिंग करी करी दो मिनट दो मिनट काव्या उठो टाइम हो गया पुडिंग खाओ चलो नहीं उठ जा टाइम हो गया नहीं सुना इधर काम भी करनी है टाइम टाइम लगेगा बेटा क्या बोल रही है अरे हो गया एक मिनट खत्म वो पूजा चली गई काव्या ले पकड़ पुडिंग खा ला मैं खिलाऊं नहीं खत्म करना पड़ेगा इसको नहीं इसको खा के जा पकड़ी से नहीं नहीं जल्दी खा जल्दी खा के ही जाना है ले ना, काव्या ना, ना, पुड़ी। नहीं पुडिंग तो खानी पड़ेगी निको पुडिंग खत्म करो बेटा नहीं फिनिश करो इसको निकू तो हो गया रेडी काव्या को अभी कंगी भी करानी है और दस मिनट का टाइम है हमारे पास जिसमें हम उसकी कंगी भी करेंगे और काव्या जाएगी खा... काव्या खड़ी हो जल्दी खड़ी हो ओवर एक्टिंग नहीं चलेगी छुट्टी वुट्टी नहीं होगी

चलो नीचे चलो फेस पे क्रीम क्रीम लगाओ खड़े हो जल्दी कर कॉम करनी है टाइम हो रहा है में में रहा हूं। अरे मैं दूंगी भाई रुक जा मैं चलो जाऊ कंगा और मैं यहाँ पे धोती थोड़े से कपड़े क्योंकि हमें कल जाना है कहीं तो कल जो है हम कहीं जाएंगे और जाएंगे अपने देवर की दे लड़की देखने के लिए वहां पे तो वीडियो शायद मैं नहीं बना पाऊंगी बता दिया मैंने आपको कहाँ जाएंगे और यहाँ पे धुल रहे हैं मेरे कपड़े क्योंकि मैं वैसे तो मैं कपड़े कल धोती लेकिन मैंने आज कपड़े इसलिए धो लिए ना क्योंकि फिर कल टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा हम लोग चले जाएंगे और बाहर एक बार जब इंसान निकलता है तो पता नहीं फिर क्या होता है फिर किस टाइम हम घर में घुसेंगे मुझे नहीं पता क्योंकि कल शायद घूमने का भी प्लान बन जाएगा कल संडे है तो फिर हम इसके बाद किस टाइम आएंगे पता नहीं फिर ये कपड़े पड़े रहेंगे और कपड़े धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें स्कूल के भी कपड़े हैं और वैसे तो अब मौसम इतना अच्छा हो गया है ना ना तो सर्दी है ना गर्मी है तो बहुत ही अच्छा वेदर है सबसे अच्छा वेदर मुझे यही लगता है फेबररी का एंड नवंबर अक्टूबर का जो वेदर होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है तो ये वेदर मुझे सबसे अच्छा लगता है इसमें कपड़े वगैरह सुखाने में प्रॉब्लम नहीं होती है और इसीलिए सूख जाएंगे लेकिन फिर भी मैं धो रही हूँ स्कूल के बीच में कपड़े जो बच्चे मंडे को पहन के जाने वाले हैं तो ये कपड़े मैं कल धोती लेकिन ये आज काम हो गया देखो वैसे हम कोई काम होता है ना वो कहते हैं हम कल कर लेंगे लेकिन जब कहीं अर्जेंटली कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें हम वो काम पहले ही कर लेते हैं तो इन एडवांस में काम हो गया मेरा अब कल हम कहाँ जाएँगे ये तो मैं आपको नहीं बता सकती लेकिन हम जाने वाले हैं मेरे जो छोटा देवर है तीसरे नंबर वाला तो उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं एक्चुअली लड़की वालों ने उसको पसंद कर लिया है और जो मेरी सासू माँ उन्होंने कहा है कि हम लोगों का भी आना बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियसली होगा ही ज़रूरी क्योंकि हम लोग भी फैमिली ही हैं हम लोग अलग रहते हैं तो क्या हुआ लेकिन है तो फैमिली ही कोई भी काम होता है कुछ भी होता है तो सब लोग सब लोग मिलजुल कर ही करते हैं मैं सोचती थी अपना फेस थोड़ा सा क्लीन कर लूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है अभी बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मेरे को चाय भी बनानी है चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय मैं इनको ट्यूशन से छोड़ के आ दूँ फिर मैं चाय बनाऊँगी और अभी अभी मैंने रोटी बनाई है हमने खाना खा लिया है चाय का टाइम होने वाला है चार बजे बच्चे जाएंगे साढ़े चार बजे मैं चाय बनाऊंगी तो ये कपड़े एक बार घूम गए हैं गाइस एक बार और घुमाऊंगी और मशीन में ना मेरी कुछ गड़बड़ हो गई लगता है क्योंकि ये कपड़े ना बहुत तेज़ घूमते हैं और ये बहुत कम घूम रहे हैं या तो ऐसा हो रहा है ना हैवी कपड़े हैं इस वजह से ये कम घूम रहे हैं वरना ये तेज घूमते जो भी है और किट्टो और अमित के मैं व्लॉग देख रही थी और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये दो दिन हो गए उनको बच्चा हुए और मुझे नहीं पता क्या हुआ है बेटा हुआ है या बेटी हुई है शायद उनको बेटा हुआ है इसीलिए वो ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बेटी हुई है और बता नहीं रहे हैं बार बार कि क्या हुआ है और लोग उनसे कमेंट देखो लोग ना उनके वीडियोज देखते हैं लोग उनके चाहने वाले हैं है ना और लोग उनको पसंद करते हैं तभी तो उनके ब्लॉग्स देखते हैं तभी तो उनके पास इतने सारे व्यूज़ आते हैं इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं तो और लोग आप जिनको पसंद कर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं लोग आपको पसंद कर लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप उन्हीं लोगों से झूठ बोलोगे और उन्हीं लोगों को परेशान करोगे या वेट कराओगे तो फिर वो लोग आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे मैंने अभी अभी उनके कमेंट बॉक्स में देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि अमित भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं ये अच्छी बात है आपकी पर्सनल थिंग है आप बताना चाहते हैं नहीं बताना चाहते लेकिन आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं सोशल मीडिया पर हैं जहाँ पर आपने सब कुछ एक एक चीज़ आप शेयर कर रहे हैं फिर आप मैंने ये तो नहीं कहा कि लोग ये तो नहीं कह रहे कि आप जैसे ही बच्चा हुआ पैदा हुआ तुरंत आप बता दो तुरंत तो मत बताओ यार दो दिन हो गए बच्चा हो कल बच्चा हुआ आज हो गया सेकेंड डे फिर भी आप नहीं बता रहे हो आप इतनी एक्टिंग कर रहे हो इतना सस्पेंस कर रहे हो जैसे आप कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार हो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो सेलिब्रिटी तो आपको लोगों ने बनाया ना लोगों की मर्ज़ी होती है ये लोग आपको कब जमीन से उठा के आसमान पर ले जाओ कब जमीन पर गिरा दे ये सिर्फ लोग ही जानते हैं लोग ही कर सकते हैं ये तो वही होता है ना कि जब आप बिल्कुल छो, छोटे लेवल पे होते हो बिल्कुल बहुत छोटे यूट्यूबर होते हो आप वीडियोस बनाते हो तो आप ऐसे करते हो जैसे कि पता नहीं रो पब्लिक को भाई बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग हमारे हो और अब अमित जी को मैंने देखा वीडियो में उन्होंने कहा कि बहुत गंदे लोग यूट्यूब पर आ गए अरे गंदे लोग या अच्छे हो तो गंदे लोग भी तो आपकी वीडियो देख रहे हैं ना उससे भी आपको पैसा मिल रहा है उससे भी आपको इनकम हो रही है तो इतनी सारी जो खुशियां आपके पास है आप शुक्रगुजार कीजिए उन लोगों का जो आपको देखते हैं जिसकी वजह से आपकी इनकम हो रही है अच्छी हो रही है इनकम और आपको जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गया है है ना तो आपको लोगों का शुक्रिया करना चाहिए और करते भी हैं आप लेकिन शुक्रिया करने का तरीका ये नहीं होता तो कि आपने बस थैंक यू बोल दिया आप लोगों को जब प्यार आप दिखाना चाहते हैं वो प्यार दिखाने का एक जरिया ये भी होता है कि आप उनको सच में अपना समझें जैसे आप अपने फैमिली वालों को है उनको भी तो रिवील किया ना कि क्या हुआ या तो आप अपनी फैमिली वालों को भी ऐसे करते कि उनसे भी छुपाते कि नहीं हम वंदना दीदी को सरप्राइज़ देंगे हम नहीं बताएंगे क्या हुआ है वंदना दीदी को हॉस्पिटल में नहीं आने देंगे तो ये बातें आपने सबको बताया अपनी फैमिली को बताया यहाँ तक कि सचिन मनीषा भी आपके पास आ चुके हैं उनको भी पता लग गया है मम्पी राहुल जो आपसे जुड़े हुए उनको भी पता लग गया है तो फिर वो आपकी फैमिली है तो फिर हम लोग जो बाकी लोग हम लोग जैसे और भी बाकी लोग जो यूट्यूब पर आपकी वीडियोज देखते हैं वो आपकी फैमिली है आप कहते हो और फिर आप उनसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो है ना तो फिर आपकी आप उनको फैमिली समझ नहीं रहे हो बस आप फैमिली उनको शो कर रहे हो दिखा रहे हो फैमिली हो फैमिली हो बस ऐसा बोल रहे हो बोलने के लिए फैमिली समझ रहे हो व्यूज़ के लिए फैमिली समझ रहे हो लेकिन रियल में आप फैमिली नहीं समझ रहे हो क्योंकि रियल में तो जिनको आपने फैमिली समझाया उनको तो आप सब कुछ शेयर कर रहे हो लेकिन आप पब्लिक को शेयर नहीं कर रहे हो वीडियोज़ आप फिर क्यों दिखा रहे हो व्यूज़ के लिए दिखा रहे हो तो पब्लिक भी कोई बेवकूफ़ नहीं है सबको समझ में आता है अमित जी सब कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको बच्चा हुआ है और आज नहीं तो देखो दो तीन दिन बाद वो सबको पता चल ही जाता है कि क्या हुआ है और आप भी बता ही दोगे लेकिन इतना सस्पेंस क्रिएट करना अच्छी बात नहीं है लोग नाराज़ हो रहे हैं आपसे और मैंने भी अभी अभी बहुत सारे कमेंट्स देखे इसीलिए मैं तो अपनी वीडियो बना रही थी फिर मैं आ गई मैं तो बहुत ही छोटी छुट्टी सी बिल्कुल ही छोटी सी यूट्यूबर हूँ मेरे तो व्यूज़ भी नहीं आते हैं पता नहीं लोग इसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मेरे दिल में जो आया मैंने उसको शेयर कर दिया और मैं हो रहा है मेरे बच्चों का टाइम मैं जा रही हूँ ट्यूशन उनको छोड़ने के लिए और आपको नहीं पता मेरा एक बहुत बड़ा चैनल भी था जिसमें साढ़े तीन लाख सब्सक्राइबर्स थे आप समझ सकते हो और वो चैनल मैंने अपने गवा दिया खो दिया कैसे खो गया वो मैं आपको बताऊंगी फिर किसी दिन की वो चैनल मेरे हाथों से कैसे चला गया और बहुत मेहनत से मैंने उस चैनल को बनाया था उसका नाम था रिंक्स चॉइस आर आई एन के एस सी एच ओ आई सी ई अभी भी यूट्यूब पर वो चैनल है लेकिन साढ़े तीन लाख सब्सक्राइबर उस पर हैं आप देख सकते हो लेकिन वो चैनल खो गया और बहुत मेहनत से मेरा पहला चैनल था वो जिसको मैंने आ, क्रिएट किया था और मोनेटाइज किया था आप तो दिल ही नहीं करता यूट्यूब पे काम करने का आप देखोगे ना मेरे वीडियो और देखो आंखों में ना आंसू आ गए चैनल के बारे में सोचकर क्योंकि वो चैनल मेरे दिल के बहुत करीब है और वो नहीं आएगा वापस अब नहीं आएगा क्योंकि हाँ, वो चैनल किसी के पास नहीं गया किसी के पास नहीं गया बस यूट्यूब पर ही है और वो मोनेटाइजेशन है अभी भी ऑन है कुछ गड़बड़ नहीं हुई है बस एक ऐसी बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई जिसकी वजह से वो अब मैं उसको नहीं लॉग इन कर सकती हूँ क्यों नहीं कर सकती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी गलती मुझसे क्या हो गई जो यूट्यूब पर मेरा चैनल खो गया बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई और और मैं अमित जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग अमित जी की वीडियोस देख रहे हैं चाहे वो अपना ज, आ, बच्चे का जेंडर रिवील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या जब भी करेंगे प्लीज़ आप उनको नेगेटिव कमेंट्स आप कर रहे हैं इस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि अमित जी आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं आप बहुत इतना आ रहे हैं इसलिए नहीं बता रहे इस तरह बोल सकते हैं आप लेकिन आप किसी को उल्टे सीधे गाली कमेंट ये सब मत कीजिए यार अच्छा नहीं लगता है ये तो फिर वो चीपनेस वाली बात हो जाती है किसी को नेगेटिविटी इतने किसी के बच्चे के बारे में बुरा मत मानो बोलो किसी के बारे में बुरा मत बोलो आप उनको बोल सकते हैं कि आप बता दो लेकिन आप उनको प्लीज़ ऐसे मत बोलो कि आप उनको क्या किसी को भी ऐसे मत बोलो किसी को भी नहीं अच्छा लगा लगेगा आप भी हो तो आपको भी कोई ऐसी बात हो तो नहीं बो आपको कोई बोलेगा तो आपको भी बुरा ही लगेगा सबको बुरा लगता है ऑब्वियस ही बात है तो बस यही है जब लोग कुछ नहीं होते हैं तो वो बहुत कुछ समझते हैं सबको और जब वो कुछ बन जाते हैं तो फिर वो कुछ भी नहीं समझते हैं किसी को भी अपने आगे फिर वो समझते हैं बस वही है सब कुछ वो भगवान है वो आसमान में हैं और कोई कुछ नहीं है उनके सामने तो भाई आसमान से ज़मीन पर आने में बहुत टाइम नहीं लगता है ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ कि आसमान पर ज़मीन पर कैसे आसमान से एकदम से सनल ज़मीन पर कैसे आ जाता है इंसान ये मैं जानती हूँ और मैं आपको भी यही बोलूँगी अमित जी कि आप भी ऐसा मत कीजिए क्योंकि भगवान जो है ना वो उनके वो सबसे बड़े सब्सक्राइबर है भगवान है एक्चुअली ऊपर वाला आपका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर है ऊपर वाला आपका सबसे बड़ा व्यूवर है सब्सक्राइबर है वो सब कुछ देखता है तो मैं भी बहुत अपने आप को समझने लगी थी कि मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ बहुत अच्छे चैनल है मेरा लेकिन एक ही मिनट का भी समय नहीं लगा और मेरा चैनल बर्बाद हो गया चला गया मेरा चैनल साढ़े तीन लाख सब्सक्राइबर वाला रिंग्स चॉइस चैनल आप देखिएगा यूट्यूब पर और आप ये मत समझिए मैं व्यूज़ के लिए बोल रही थी उस चैनल पर जाकर देखिए कुछ नहीं है उस चैनल पर मतलब अब मेरे को कुछ नहीं मिलता उस चैनल से मेरे हाथ में नहीं है काफ़ी टाइम से उस पर वीडियो भी नहीं बनी है लगभग आठ नौ महीने से तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय